और वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं आइए सुने हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत कष्ट हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से राजस्थान की जनता की खरी कमाई को लुटाया है। और ये कांग्रेस है ना, छात्रों की दुश्मन है, क्योंकि शहरों में तो शिक्षकों की भरमार है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, गांव में विद्यार्थियों की भरमार है लेकिन शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में छात्रों के दुश्मन बने क्यों, छात्रों ने बिगाड़ा क्या इनका। और छात्रों को अंधकार में धकेलना ये देश के साथ दुश्मनी निकालना है। ये देश के प्रदेश के बच्चों को यदि आप अनपढ़ रखोगे तो उनके साथ जाति होगी। मैं इसको समान अनुपात में सभी जगह अध्यापक लगाऊंगा। राजस्थान में यह सच है कि 25% के लगभग अध्यापक कम है, तो उसी अनुपात में सब जगह कम होना चाहिए। पर यहाँ तो भरमार है और वहाँ विद्यालय खाली पड़े हैं। मैं कोशिश करूँगा जो मेरे पास अध्यापक हैं उनका किस प्रकार से ठीक तरह से उपयोग कर सकूँ, वो कोशिश करूँगा। जो गंदगी के बारे में मैंने सबको कहा है, चाहे वो पंचायत राज के अधिकारी हों चाहे शिक्षा विभाग के हों, यदि आप अपने विद्यालयों की साफ सफाई ठीक प्रकार से नहीं रख पाते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, तो आपको मैं बहुत अच्छे साफ सुथरे विद्यालयों में भेज दूंगा जहाँ पर साफ सुथरा भी रहता है और गाँव के लोग भी सफाई करते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं ताकि विद्यालय साफ रहता है। वो गाँव में है, ऐसे विद्यालय में भेज दूंगा ताकि आपको साफ सफाई नहीं करना पड़े, उसके लिए तैयार रहें। अब देखो उनको लगता होगा कि हम साफ सफाई नहीं कर सकते, साफ स्वच्छ विद्यालय में जाना चाहते तो भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर विद्यालयों में शिक्षक नहीं है और एक तरफ डेपुटेशन की एक संख्या जयपुर में जो समय देखने को मिली वो बड़ी तादाद में, तो डेपुटेशन भी क्या निरस्त होंगे, इस पर क्या है? डेपुटेशन निरस्त करने के लिए मैंने आदेश दे दिए हैं, अधिकांश डेपुटेशन निरस्त भी हो गए हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार परसों की तारीख तक, पिछले दो दिन की तारीख तक बात हूँ तो लगभग 900 से ऊपर ऐसे अध्यापक हैं जो भी रिलीव नहीं हुए हैं। मैंने हमारे जो निदेशक हैं शिक्षा के मोदी जी, उनको कह दिया है कि आप सब डीओ से लिखवा के ले लें कि हमारे यहाँ डेपुटेशन में कोई नहीं है, और फिर भी पाया गया तो मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूँगा कि उन्होंने अभी तक रिलीव क्यों नहीं किया या जहाँ गए थे वहाँ से क्यों नहीं मंगवाए, चाहे वो किसी के भी आदेश हो, चाहे वह डायरेक्टर के आदेश हो, चाहे डीओ का आदेश हो, चाहे कलेक्टर के आदेश हो, चाहे एसडीएम का आदेश हो, किसी के भी आदेश से हो, अब उनको रिलीव होना पड़ेगा। यदि जिला कलेक्टर को चाहिए कि हमको चुनाव के लिए तैयारियों के लिए कुछ चाहिए तो वो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से या मेरे से संपर्क करेंगे तो हम जहाँ उसको ज़रूरत है वहीं से देंगे। ऐसा नहीं कि जयपुर में जरूरत हो तो बारात उठा लाए, जयपुर में जरूरत हो तो बाड़मेर से ले आए, ये नहीं चलने देंगे। सर, ड्रेस कोड को लेकर के क्या स्टैंड है डिपार्टमेंट का, क्योंकि ड्रेस कोड को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि हिजाब को बैन कर दिया गया राजस्थान से, इस तरह के बैन है, ये गलत समाचार है आप लोगों के पास। हम हिजाब के विरोधी है ही नहीं, कोई भी पोशाक कोई भी ड्रेस आम जन पहन सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो विद्यालय में ड्रेस जिसको पोशाक भी कहते हैं, गणवेश भी कहते हैं, वो जो तय गणवेश है वही पहनकर आना पड़ेगा। और यदि किसी को आपत्ति है कि मैं गणवेश तो नहीं पहनूंगा तो वह दूसरे विद्यालय में चला जाएगा, जो गणवेश की छूट है। सर, एक शिक्षा विभाग के अंदर सिविल वर्क जो होता है वहां पर थर्ड ग्रेड टीचर लगे हुए बहुत बड़ी संख्या है, और भी जो पढ़ाने वाले टीचर है वो शिक्षा विभाग में सिविल वर्क कर रहे हैं सर बहुत लंबे वक्त से, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी हटाया जाएगा? लगभग 200 ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे टीचर्स हैं। देखो, या किसी को हटाने के इसमें पक्ष में नहीं है, हमारा तो छात्रों का हित सर्वोपरि है, छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो जो कृत्य करने से, अध्यापकों के कृत्य करने से छात्रों को नुकसान होगा, उन अध्यापकों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे या वहाँ से हटाएंगे।
सर क्या राजस्थान के स्कूलों के अंदर भी सरस्वती जी की प्रतिमा रखी जाएगी? प्रदेश के सभी स्कूलों में इस तरह का कोई आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाएगा? मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई आदेश हो, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि अनादिकाल से चाहे गुरुकुल रहे हों, चाहे आज जो विद्यालय कहते हैं वो हों, ये परंपरा चली आई है कि विद्या मंदिर में यानी विद्यालयों में सरस्वती माँ की मूर्ति या चित्र होता ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि हम जिसको आदर्श मान करके और शिक्षा ग्रहण करते हैं वो विद्या की देवी है, तो फिर उस विद्या की देवी का चित्र या मूर्ति हमारे विद्यालय में क्यों नहीं होनी चाहिए? हिजाब को लेकर भी कोई आदेश दिया है आपने कि हिजाब पहन कर नहीं आएंगे? मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, न आदेश है, मैंने कहा है गणवेश पहन कर ही आएंगे। 14 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने की बात कही गई थी, क्या उसको शिक्षा के कैलेंडर में भी ऐड किया जाएगा? मातृ पिता दिवस नहीं, मातृ पितृ दिवस है। 14 जनवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर कितनी फोड़ता होती थी, तो पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय वासुदेव जी देवनानी ने अच्छा निर्णय किया था, मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। उनका था कि